हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में। हमने जनरली कई सारे सेंसर्स के बारे में सीखा जिनमें क्या होता है कि हाई और लो सिग्नल हमें मिलता है जिससे हम किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ करा सकते हैं। लेकिन अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है इसका वर्किंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम समझेंगे किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या इसका एप्लीकेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अगर अल्ट्रासोनिक सेंसर की बात करें तो अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ आता है किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। मतलब इस सेंसर के सामने कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो इससे कितना दूर है ये इजीली कैलकुलेट करके बता सकता है बिना हमें उस चीज़ को टच किए हुए या फिर वहाँ तक बिना जाए ये इजीली कैलकुलेट कर सकता है। तो देखो किस तरीके से कैलकुलेट करता है। जैसे कि इसका नाम है अल्ट्रासोनिक सेंसर, तो अल्ट्रासोनिक नाम इसका इसलिए है क्योंकि इससे अल्ट्रासाउंड्स निकलती है। साउंड वेव होती है जो हमें सुनाई नहीं देती है। मतलब साउंड वेव कई तरह की होती है, एक फिक्स रेंज ही हमें सुनाई देती है, तो उस रेंज से कम और ज़्यादा की साउंड हमें कभी भी सुनाई नहीं देती। तो इसकी जो साउंड होती है उस रेंज से ज़्यादा होती है इसलिए हमें ये सुनाई नहीं देती। इससे क्या होता है, एक साउंड निकलती है। देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। ये टी और आर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। आपने आईआर सेंसर देखा होगा, तो आईआर सेंसर की तरह इसमें भी एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर है। उसमें से आईआर वेव्स निकलती है और इसमें से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ इस ऑब्जेक्ट से निकलेगी और सामने उसके कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उससे वो टकराएगी और वापस रिटर्न आएगी। तो रिटर्न जब आएगी तो ये जो रिसीवर है इसको रिसीव कर लेगा, देन ये उस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये अल्ट्रासोनिक सेंसर काम करता है। अब देखो जनरली इसकी जो वर्किंग है वो, या फिर हम एफिशिएंसी की बात करें, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिससे हम लगभग 250 सेंटीमीटर तक इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो ये जो सिंपल छोटा सा सेंसर है इससे हम 250 तक कर सकते हैं, और ज़्यादा इंडस्ट्रियल लेवल के प्रोजेक्ट बनाने के लिए, फिर ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए या रेंज बढ़ाने के लिए हम इंडस्ट्रियल सेंसर्स को यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो बेसिक सेंसर है ये 250 सेंटीमीटर तक इजीली कैलकुलेट कर सकता है। तो इसकी कुछ पिंस जो है, पिंस के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम इसका कोड लिखेंगे एक बार। तो देखो पिंस की अगर बात करें तो यहाँ पर चार पिन हैं, VCC, ग्राउंड, फिर बीच में है ट्रिगर एंड इको। तो देखो ट्रिगर एंड इको क्या काम करती है, ट्रिगर और इको पिन काम आती है। जनरली हम इसको आर्डिनो के साथ यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर एक कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन कैसे होती है कि जब यहाँ से साउंड वेव निकलती है तो वो सामने वाले ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती है, तो जितना टाइम में वो टकरा के वापस आई उस टाइम को ये कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले मतलब डिस्टेंस और वेलोसिटी और टाइम, इनका जो रिलेशन होता है इसके थ्रू कैलकुलेट किया जा सकता है। टाइम ड्यूरेशन या फिर डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक कोड होता है, एक पहले से डिज़ाइन किया होता है, वो कोड हम यहाँ पर अपलोड करते हैं आर्डिनो के थ्रू, फिर उससे अल्ट्रासोनिक सेंसर को कंट्रोल किया जाता है। तो देखो ये जो ट्रिगर और इको पिन है ये क्या करती है, ये हम कोड लिखेंगे तब उसमें भी हम समझेंगे कि एक बार क्या होता है, जैसे ही पल्स यहाँ से जनरेट होती है, पल्स जनरेट होने का मतलब क्या है कि यहाँ से जैसे ही वेव निकलती है और वापस आती है तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ट्रिगर और इको पिन यूज़ आती है। तो हमें ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है कि ट्रिगर क्या करती है, इको क्या करती है, सिंपल से इनकी वर्किंग है। बस हमें कोड को थोड़ा सा समझना है। और जनरली क्या होता है, इसका कोड का एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो बना बनाया आता है, डायरेक्टली आपको उसको यूज़ करना है। आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहे तो उसको समझ भी सकते हैं, उसमें टाइम डिस्टेंस और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो उसमें लगा हुआ होता है, तो उसके थ्रू आप उसको समझ सकते हैं। तो देखो अल्ट्रासोनिक सेंसर की पिंस हमने देख ली, VCC, ग्राउंड, ट्रिगर एंड इको, चार पिंस होती है। आप बिना प्रोग्रामिंग के इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो हम सबसे पहले इसका प्रोग्राम समझ लेते हैं, देन इसको आर्डिनो के साथ यूज़ करके देखेंगे कि ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करता है। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका जो प्रोग्राम है, इसका जो कोड है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारे पास, एंड आप भी जब इसको यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि इसमें एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन है, अगर आपको याद रहता है, आपको समझ में आता है तो आप इसको अपने आप भी लिख सकते हैं, बट इतना ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत है नहीं, तो हम डायरेक्ट इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो देखो कोड में क्या है, यहाँ पर हमने पिन नंबर दे रखा है ट्रिगर और इको के लिए। चार पिन थी, VCC, ग्राउंड, ट्रिगर एंड इको। तो VCC ग्राउंड आपको पता है कहाँ कनेक्ट होती है, तो ट्रिगर और इको कहाँ कनेक्ट होगी, पिन नंबर 9 एंड पिन नंबर 10 पे। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हम सीरियल मॉनिटर पे इसको प्रिंट कराएंगे। अब देखो ट्रिगर पिन क्या है, आउटपुट, और इको पिन क्या है, इनपुट।
ठीक है, ये भी ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे एक बार ट्रिगर पिन को हाई सिग्नल दिया जा रहा है, ट्रिगर पिन आउटपुट है, आउटपुट पिन से सेंसर के अंदर एक सिग्नल जाएगा जिससे कि सेंसर पल्स को रिलीज करेगा, और ये जो हमारे ट्रिगर पिन है ये आउटपुट है एंड इको पिन क्या है, इनपुट है। तो इको पिन से हमें एक सिग्नल मिलेगा, और वो सिग्नल जितनी देर में आएगा उतनी देर में आर्डिनो इसको टाइम, इसका जो ड्यूरेशन है वो कैलकुलेट कर लेगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रिगर पिन को हाई सिग्नल दिया गया और ये एक टाइम, यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला है, टाइम यहाँ पर लगाया गया थोड़ा सा, और उस टाइम के बाद में इसको लो कर दिया, मतलब एक सिग्नल वहाँ से जनरेट हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो वेव निकलनी थी वहाँ से वो निकल गई। उसके बाद में जब वो वेव टकरा के वापस आई तो इको पिन क्या है, हमारी इनपुट पिन है, तो इनपुट पिन होने की वजह से क्या हुआ, आर्डिनो को पता चल गया कि वो वेव वापस आ चुकी है। तो आर्डिनो ने क्या किया कि ये सिग्नल जब गया और जब ये सिग्नल वापस आया तब का उसने टाइम कैलकुलेट कर लिया, तो ये टाइम आ गया हमारा इस ड्यूरेशन के अंदर। अब देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये जो लिखा हुआ है ये लाइट की सॉरी साउंड की स्पीड है, कि अल्ट्रासोनिक वेव यहाँ से निकलती है, मतलब अल्ट्रासाउंड वेव जो होती है तो साउंड का एक फिक्स स्पीड होती है, वो स्पीड हमने यहाँ पर लिख रखी है, और ये टाइम हो गया। तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करने से हमें यहाँ से डिस्टेंस मिल जाता है, और इसकी जो कैलकुलेशन है ये जो स्पीड है उसका जो यूनिट्स होती है इस तरीके से कैलकुलेट की हुई है ताकि हमें जो रिजल्ट है वो सेंटीमीटर में मिलेगा। तो ज़्यादा डिटेल में आपको ये फॉर्मूला नहीं देखना, अगर आप देखना चाहें तो पूरा रिसर्च करके पढ़ सकते हैं, कई सारे सोर्स है। तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर में इसका डेटा निकाल लेंगे एंड इसको सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर देंगे। तो सीरियल मॉनिटर पे लिखा होगा डिस्टेंस एंड जो एग्जैक्ट जो हम यहाँ पर वैल्यू आएगी वो, एंड उसके बाद में सेंटीमीटर उसकी यूनिट हमें दिखाई देगी। तो ये कोड है, ये पूरा बना बनाया कोड है, आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो। और जैसे मान लो ये जो डिस्टेंस यहाँ पर आ रही है इसको आप कहीं और डिस्प्ले करना चाहते हो, जैसे किसी LCD डिस्प्ले पे या किसी और अदर डिवाइस पे, तो आप डायरेक्टली इस वेरिएबल को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, सबसे पहले आर्डिनो को कनेक्ट करते हैं। आर्डिनो हमारा ऑलरेडी कनेक्ट है एंड पिन नंबर COM3 पर ये पोर्ट कनेक्ट है इसका, तो हम इसमें कोड अपलोड कर देते हैं। कोड अपलोड हो चुका है, अब हम इसका सर्किट बना लेते हैं। तो देखो सर्किट में क्या था, हमें इस कोड के थ्रू ही समझना है, सिर्फ चार पिन्स को हमें कनेक्ट करना है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ इन पिन्स को कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं VCC और ग्राउंड का कनेक्शन कर देता हूँ। तो ब्लू वाली जो वायर है ये है हमारी VCC, तो इसको मैं 5 वोल्ट में कनेक्ट कर देता हूँ। ब्लैक वाली वायर है हमारी ग्राउंड, तो इसको मैं ग्राउंड में कनेक्ट कर देता हूँ। देन उसके बाद में ये जो दो पिन है ट्रिगर और इको, तो देखो हमने कोड में लिखा है ट्रिगर पिन हमारी 10 पे कनेक्ट होगी, तो ये है हमारी ट्रिगर पिन, तो इसको मैं 10 पे कनेक्ट कर देता हूँ। एंड इको पिन कनेक्ट होगी 9 पे, तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं पिन नंबर 9 पे। ठीक है, तो ये कनेक्शन मैंने कर दिए, ये 9 और 10 पर ट्रिगर और इको पिन है, और ये VCC और ग्राउंड हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसको चेक करके देखते हैं। तो देखो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ रख देते हैं एंड यहाँ पर हमारा सीरियल मॉनिटर ऑन कर लेते हैं जहाँ इसकी डिस्टेंस प्रिंट होगी। इसको ड्रैग करके ऊपर ले आते हैं और ये हमारा सीरियल मॉनिटर। तो देखो सीरियल मॉनिटर पे जो डिस्टेंस आ रही है उसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्केल में यूज़ कर लेता हूँ। ये स्केल मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी है एंड इस सेंसर को यहाँ पर स्केल के यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। अब देखो सीरियल मॉनिटर पे जो अभी डेटा आ रहा है वो कुछ 40 सेंटीमीटर आ रहा है, जो कि इस सेंसर के सामने जो ऑब्जेक्ट है उसका कैलकुलेट करके बता रहा है। अब देखो मैं इस ब्रेडबोर्ड को 5 सेंटीमीटर पे रख रहा हूँ, सॉरी 5 सेंटीमीटर नहीं था, ये 12 सेंटीमीटर पे है यहाँ पर। अब हम इसको यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पे ले आते हैं। ठीक है, इधर वाली स्केल में जो इधर वाली लाइन है वो हमारी सेंटीमीटर में है, उधर वाले इंचेस में है, तो ये 10 पे मैं ले आता हूँ और सेंसर को यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। तो देखो अभी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 9.5 के समथिंग कुछ आ रही है, तो थोड़ा सा इसके अंदर एरर हो सकता है, बट देखो जैसे ही 15 पे लेके जाते हैं तो 15 पे आ रही है हमारी 14.7, तो कुछ आपको पॉइंट्स में माइनर सा एरर मिल सकता है, बट जनरली ये आपको लगभग एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा। जैसे मैं देखो 22 पे लेके आता हूँ तो
सेंसर को हम सामने रखते हैं बिल्कुल 21.56, तो ऐसे आप लगभग 250 सेंटीमीटर तक इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद में ये हो सकता है एरर दे दे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसके सामने आप कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे बिल्कुल पास में ले आएंगे तो देखो यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है 1186 इतना सेंटीमीटर यहाँ पर शो हो रहा है जो कि गलत है। तो इसका रीज़न क्या है कि जब हम बिल्कुल सामने ऑब्जेक्ट को ले आते हैं तो यहाँ से जो वेव निकलती है वो टकरा के वापस नहीं आ पाती है, तो ये गार्बेज वैल्यू यानी कि कोई भी एक डिफॉल्ट वैल्यू ले लेता है जिसकी वजह से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाती है। तो आपको मिनिमम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का गैप रखना है जिससे कि आपको वैल्यू एक्यूरेट मिल सके, उससे कम अगर आप रखेंगे तो आपको वैल्यू गलत मिलने लग जाएगी। इसलिए आपको यहाँ पे 2 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक आप इजीली इस सेंसर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस सेंसर का यूज़ करके, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम आगे इसके कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।